आप लोग निश्चिंत रहें, जिन्हें ट्रैक्टर चलाना नहीं आता वो अपने आप को मतलब वो ना फील करे कि हम कमजोर हैं। साहब को भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। ये सीखने की परंपरा होती है, हम अगर सीख लेंगे आज तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत अच्छा लग रहा है रसोई में, सभी रसोई के निवासी उनको मेरा प्रणाम, सभी लोगों को। अच्छा ये भी है कि महिलाएं नहीं है, महिलाएं भी हर उम्र की हैं, हमारी मतलब जो दादियाँ भी हैं, चाचियाँ भी हैं और बेटियाँ भी हैं, है ना, सभी उम्र की हैं। और उनके साथ में आप लोग भी खड़े हो सारे लोग। अभी हमारा जो बात होती है विश्व में, तो बात होती है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है। आप लोग बैठो बैठो ना, मेरे को बोलना है तो आप पीछे वाले देखते हो, आप बैठो। तो बात आती कि भारत देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा लोबाओं की संख्या यहाँ पर है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना बराबर का योगदान देते हैं, तो पता चलता है कि हमारे यहाँ हार्डली 10-20% की करीबन महिलाएं हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, बराबरी से काम कर रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि कई बार जो पुराना सिस्टम था, क्योंकि वो कृषि आधारित ज़्यादा था, ज्वाइंट फैमिली, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, दिन भर के काम बहुत चलते थे, महिलाओं को लगातार सपोर्ट करना पड़ता था, सुरक्षा का भी दिक्कत थी, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब पढ़ लिख लिए तो आप IPS बन गए, अब कुछ दिनों में ये SP भी बन जाएंगी, है ना, इनकी पढ़ाई इन्होंने मेहनत से करी तो ये IPS बन गए। अभी थोड़े दिनों पहले एक थाना प्रभारी आपके यहाँ थी, साधना भी थी आपके यहाँ, तो साधना ने थोड़ी कम पढ़ाई करी, मतलब उसको उतनी सक्सेस नहीं मिली, तो वो थानेदार बन गई। तो यहाँ की आपकी थाना प्रभारी थी वो, अच्छा इसी गांव की है, अरे तो फिर तो गांव बड़ा अच्छा है। अच्छा ये बात तो ठीक है ना कि जैसे महिला अगर कहीं रहती है तो हमारे परिवार की महिलाओं को, मान लो आप ही बाहर कहीं गए हो, आपकी पत्नी को कोई बात प्रॉब्लम समस्या हो गई, और बोली हम थाने गए और थाने पे वो थानेदार साहब जो है महिला है, तो आपको लगता है कि आप तो बात सुननी जाएगी, अच्छे से बता पाएगी, है कि नहीं, तो वो फर्क तो पड़ता है ना, अपने को भी विश्वास रहता है। तो हमको ये चीज़ों को परिवर्तन लाना, इस परिवर्तन में बात दिमाग की ज़्यादा है, बात इसकी नहीं है कि गोली चलाने में हो सकता है। जैसे हमारी एक DG मैम है, ADG मैम अनुराधा शंकर, वो हमसे अच्छा फायर करती हैं, उनको बोलेंगे तो जितना मारेंगे बिल्कुल ठिकाने पे लगेगा गोली आज की तारीख में भी। तो ये प्रैक्टिस की बात है, अपना टैलेंट की बात है बेटा, है ना, तो जो आप करते हो उसमें आपका टैलेंट आता है, आप एक्सपर्ट हो जाते हो। तो ये सारी बातें, मतलब लड़कियां लड़के किसी से कम नहीं रह गए, अब संख्या पहले होते थे सारे घरों में बच्चे 4 से 5, अब अभी कितने बच्चे हैं, मेरा ख्याल कम होने लगे गांव में भी, अब 2 से 3 हो गए होंगे, हाँ 2 बच्चे बहुत हैं, 3 बच्चे बहुत हैं, लेकिन पहले होते 4 से लेकर 6 तक के बच्चे सभी परिवारों में होते थे, और शहर में जाओगे तो 2 भी नहीं है, हमारा एक ही बेटा है। तो क्या हुआ, जब कम हो गए तो फिर हमको ये ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं को भी ये ताकत रहे, उनकी भी आर्थिक स्वावलंबन भी रहे। दूसरा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये किस्सा है, हमारी ही एक मतलब हमारे ससुर साहब को एक बार तबीयत खराब हुई तो उनकी बहू ही लेके गई कार से कि लड़का दिल्ली में घूम रहा है, भाई जो है दूसरी जगह रहता है, दामाद जो है कहीं SP बना बैठा है। तो वो लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ऐसी इमरजेंसी में तो हमारी लड़की को आता हो चाहे बहू को आता हो, लड़की बहू में ज़्यादा फर्क नहीं है, अब तो हमको उसी से फ़ायदा मिलता है और विश्वास होता है। अब देखो जब लालू यादव जी को हटाया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया, क्योंकि क्या बात, कारण क्या रहा, सबसे ज्यादा विश्वास किस पे है, पत्नी पे। और जो हमारे घर का ही है ना, घर का ही मेंबर है, वो बाकी बच्चे भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वास की बात भी होती है। तो हमको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। और ये ट्रैक्टर आप 10 साल पहले भी अगर कोशिश करते हो चला सकते थे, लेकिन अब अनु आ गई है, आप लोगों की बात हो गई, एक विश्वास आया, फिर एक लड़की ने हिम्मत करी कि मैं चलाऊंगी, तो दूसरे क्या किया, अरे तुमसे तो मेरे को ज्यादा अच्छा आता है, है ना। ये चीज़ें आना चाहिए और हमको सबको प्रमोट करना चाहिए, इस बात को सबको आगे करना चाहिए। तीसरा बात हमारी बात आती है कि कहीं पर महिलाएं ज़्यादा हैं और कहीं पर आदमी ज़्यादा, मान लो एक रैली निकल रही है, महिलाओं की रैली है और पुरुषों की इकट्ठा है, तो आपको हमको पुलिस को तनाव कहाँ ज़्यादा होता है, पुरुष ज़्यादा है,
ये बदमाशी करेंगे, झगड़ा करेंगे। महिलाएं जो हैं जहाँ रहेंगी व्यवस्थित रहती हैं, साफ सफाई से रहती हैं, चीज़ों को व्यवस्थित करती हैं और आक्रामक नहीं होती, हिंसा नहीं करती सामान्य। तो इसलिए भी महिलाओं को जितना आगे आप आओगे उतना अच्छी चीज़ होंगी। जैसे हमें देखते हैं कि शराब पी के की बीमारी है, शराब पीने की भयंकर बीमारी, थोड़ा बहुत एक आध पैक पिए कोई आदमी, कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा पिए तो चलो कोई नुकसान नहीं, लेकिन होता क्या है कि आदमी नियंत्रण कर नहीं पाता है। और जो शराब पीता है उसको चूंकि महिलाओं का अपन ने बोला है कि भाई तुम किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से बोलना नहीं, तो उसकी पत्नी परेशान है, उसकी माँ परेशान है, जिसने उसको पैदा किया वो परेशान है, क्योंकि दारू के नशे में उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो कुछ भी बात करता है। जब उसको अच्छाई के लिए डांटा जाता है, कहा जाता है, तो वो मारपीट करता है। ये तभी ठीक हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा कि वो कौन सी लाल गैंग थी, गुलाबी गैंग, एक गुलाबी गैंग थी। तो जब शराब का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ तो गुलाबी गैंग बनाई गई महिलाओं की, कि गांव में कोई शराब पी के आया, उधम करा, तो गुलाबी गैंग निकल के पिटाई करेगी और कोई बोलेगा ना आदमी बोलेगा ना कोई बोलेगा उसके फेवर में। तो वो बहुत बड़ी समस्या निदान हो गया। ऐसे जो हमारा पर्यावरण का है, पर्यावरण का जब सुंदरलाल बबुड़ा साहब ने चालू किया था तो उनका यही था कि जब उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया तो उसमें महिलाएं ज़्यादा शामिल हुई। तो आज जो हम लोग एक तरीके से ये बात कर रहे हैं कि अगर पेड़ हमारे यहाँ है तो पेड़ कटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ कटता है तो आपको आज नहीं फर्क पड़ेगा लेकिन आपके बच्चे को फर्क पड़ेगा और पोते को फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ नहीं रहेगा, छाया नहीं रहेगी, वातावरण बदल जाएगा, पानी कम होगा, सारी बातों की समस्या रहेगी। तो वो बातें भी हमको लेनी अपने साथ में कि पर्यावरण भी अच्छा रखना है, वातावरण भी अच्छा रखना है, साफ सफाई भी रखनी है। ये बदमाशियाँ, शराब पीना, नशा करना, ये कहीं ना कहीं महिलाएं साथ में रहेंगी आपकी तो ज़्यादा अच्छा करेंगी। तो मुझे बिल्कुल ये है कि आप इस अतवाई गाँव ने एक रास्ता बड़ा अच्छा दिखाया है और ये तो कह रही थी कि 4-5 की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नो ट्रैक्टर खड़े हो गए हैं आपके और सब तैयार हो गए हो। सर अभी आपको ज़्यादा बैठने आज ये क्या कायल में है, किसी को स्पीड से नहीं चलाना है। अभी आपका लाइसेंस भी बनेगा, लर्निंग के लिए आप अप्लाई करवाएंगे ताकि एक आप जब जाओगे आओगे तो भी उसका एक वैधानिक अधिकार भी रहेगा, है ना। और मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, दादा को आगे पीछे खड़े आ जाओ आ जाओ, है ना। देखो उनको भी जैसे बोलो ट्रैक्टर कौन चलाता है तो नाती पोता लड़का लोग नहीं बोल रहे, कहा नहीं ना मेरे अंदर से। और आप अभी आप जाते हो ग्वालियर में कितनी लड़कियां तेजी से कार चला के निकलती हैं, स्कूटी चला के निकल रही, फायदा किसका हो रहा, परिवार का ही है ना। स्कूटी में भी जाती हैं, अपना घर का सारा काम कराती हैं। तो ट्रैक्टर तो एक बात यह है कि खेती में जरूरत पड़ जाए तो कर लें, लाना ले जाना पड़ जाए तो कर लें, है ना। तो बहुत आप लोगों का धन्यवाद पूरे गांव का, और आप एक अच्छी मिसाल बनो, और अनु का अच्छा काम के लिए बहुत बधाई, संतोष आपको बहुत बधाई, है ना, सब लोग करेंगे। तो ये हमारी जो ट्रैक्टर अभी चलाएंगे वो चलिए सब लोग सर वहीं पर उल्टा कर लेते हैं कुर्सी ना उधर देखते हैं नहीं वहीं पर अभी सर चल के माला पहनाएंगे और वो करेंगे उसके बाद ड्राइव करेंगे ना। चलो माला।